अब हम लोग डायरेक्टली एफ साइन कंडीशन इसको स्थापित करेंगे, ठीक है। एफ साइन कंडीशन, आवे साइंस साइन कंडीशन, एफ साइन कंडीशन, एफ का ज्या नियम प्रतिबंध, एफ का ज्या प्रतिबंध, प्रतिबंध एफ साइन कंडीशन, एफ का ज्या प्रतिबंध। देखो हमारे पास सेम एक वक्राकार पृष्ठ है एपी, ठीक है। ये वक्राकार पृष्ठ हमारा एपी है, वक्राकार पृष्ठ है एपी। ये माध्यम वन, ये माध्यम वन जिसका अपवर्तनांक म्यू वन है, और माध्यम माध्यम टू जिसका अपवर्तनांक म्यू टू है, इस दोनों को पृथक करता है, ओके। के पी इसका ध्रुव है, ओके। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए एम, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, एम एन, एम एन हमारा ऑब्जेक्ट है, के हमारा बिंब प्रदेश में है, और ये हमारा प्रतिबिंब प्रदेश में प्रतिबिंब बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन प्राइम एम प्राइम ये प्रतिबिंब प्रदेश है, ये प्रतिबिंब प्रदेश है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखो ये इस तरह से बनता है, यहाँ पे ए बिंदु पे गया ये, ओके, और यहाँ से अपवर्तित होने के बाद में यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक और जाता है ये सीधा इससे निकल के इससे मिल जाता है, इससे मिल जाता है, ये हमारा वक्रता पृष्ठ का केंद्र होता है जहाँ से सीधी निकल जाती है। उसी प्रकार से ये हमारी यहाँ से जाने वाली रेखा यहाँ आएगी, हमने पहले भी कई बार बना चुके हैं, और ये यहाँ से अपवर्तित होके यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हमारी कोण थीटा वन बनाती है, ऑफकोर्स एंटर घड़ी की विपरीत दिशा में है, वो हमारी दिशा में, और ये हमारा थीटा टू है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, ओके। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो बिंब है उसकी ऊंचाई कितनी है, वाई वन है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, वाई टू, ये हमारा बिंब है, ठीक है, बिंब है ये हमारा, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। बिंब क्या है हमारा, एम एन, प्रतिबिंब हमारा एम प्राइम एम एन प्राइम, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब है। इस वक्रता पृष्ठ के बिंदु ए से सी को मिला देते हैं हम लोग, तो इस बिंदु ए पे ये सी क्या होता है, अभिलंब होता है, तो ए से जो किरणें हमारे सी पे आपतित हो रही है, तो आपतन कोण कितना है, ये रहा हमारा आपतन कोण आई है, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये जो अभिलंब से कितना कोण बना रही है, ये आर कोण बना रही है, ओके। ये हमारा जो कोण होगा, ये हमारा पाई माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, ये पाई माइनस आई हो जाएगा। और बाकी कुछ जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो बिंब है उसकी हमारी पोल से दूरी कितनी है, यू, और जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी पोल से दूरी कितनी है हमारी, वी, यहाँ तक की दूरी। और जो हमारा पोल ओ इस प्रश्न जो वक्रकार प्रश्न का कोई भाग है ए पी, उसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, ये हमारी त्रिज्या आर है, ठीक है। अब हम लोग एब का ज्या प्रतिबिंब का नियम
सीधे ही बिना लाग्रांज नियम में हम लोग अप्रोक्सीमेशन किए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सी है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग त्रिभुज त्रिभुज एम सी एन तथा त्रिभुज एम प्राइम सी एन प्राइम। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है हमारा पूरा एंगल, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वसम है। क्या है, सर्वसम है, दोनों एंगल सर्वसम है। तो हम लोग क्या करते हैं, अतः एम एन डियर बाई एम प्राइम एन प्राइम एम एन डी आर बाई एम प्राइम इक्वल टू, इसकी एक वजह और है इस त्रिभुज की एम सी एन की एन सी एन सी डी आर बाई, इसकी क्या कौन सी वजह होगी, सी एन प्राइम। ओके, सी एन प्राइम होगी। अब देखो हम लोग यहाँ साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखेंगे, चूँकि ये हमारा एम एन है, ये एम एन क्या है, ये अक्ष से ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, तो वाई वन हमारा पॉजिटिव है, तो वाई वन एम प्राइम एन प्राइम ये नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा हमारा। ठीक है, माइनस वाई टू दिस इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे चूँकि हमने एम एन और एम प्राइम की वैल्यू रख दी है, ठीक है, तो ये हमारा एम एन डी है भाई एम प्राइम एन प्राइम है। ओके, और उसके अलावा हमारा जो एन सी है वो एन सी कितना है, एन सी इक्वल टू ये एन सी इक्वल टू हमारा एन पी प्लस पी सी है। ओके, डिवाइड बाय सी एन, सी एन प्राइम कितना है, तो सी एन प्राइम हमारा होगा सी एन प्राइम कितना होगा, पी एन प्राइम माइनस दिस थिंग, ये टोटल कितना होगा, इस टोटल लेंथ में से अगर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा होगा पी एन प्राइम माइनस पी सी। ओके, तो देखो एन पी इधर से हमारा सी सी इधर नापते तो नेगेटिव होगा, और जो कितना है हमारा यू है तो माइनस यू। ओके, और पी सी पॉजिटिव है, आर है प्लस आर डेड बाई पी एन प्राइम, हमारा पी एन प्राइम कितना है वी, और माइनस पी सी, पी सी कितनी है आर जो कि पॉजिटिव होती है, तो ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा एन सी डी बाई सी एन प्राइम की वैल्यू हमारी ये आती है, और एम एन की वैल्यू हमारी, देखो ये तो एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और तीसरा हमारे पास ये है नीचे वाला। ठीक है, तो इस एम एन डी में एम प्राइम एन प्राइम की जगह तो हम लोग ये रखेंगे, और एन सी एन सी डी वाई सी एन प्राइम की जगह हम लोग ये रखेंगे, अतः वाई वन डी वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर डी वाई वी माइनस आर। ओके, हम लोग इसका नेगेटिव को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा y1 डिवाइड बाई वाई टू इक्वल टू यू माइनस आर, ये नेगेटिव हो जाएगा आर यू माइनस आर डी बाई वी माइनस आर। ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण संबंध आ गया, इसको हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन देते हैं। तो अभी तक जो हमने किया था वो ये किया था कि बिंब डिवाइड बाई प्रतिबिंब का आकार इक्वल टू इस वक्रता केंद्र से बिंब की दूरी और वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये किया था हमारे, तो वाई वन डी वाई टू इक्वल टू माइनस यू माइनस आर और वी माइनस आर आ गया था। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब त्रिभुज एन ए सी में ज्या नियम से, ठीक है, एन ए सी में क्या करते हैं, ज्या नियम लगा देते हैं। तो ज्या नियम क्या होगा,
साइन थीटा वन डिवाइड बाई, इसके सामने की वजह क्या है, ए सी इक्वल टू साइन पाई माइनस आई डिवाइड बाई, इसके सामने की वजह कितनी होगी, साइन पाई माइनस आई की तीस एन सी। ठीक है, हम लोग इस त्रिभुज में एन ए सी में हम लोग जालियम लगाएंगे, तो इसके कोण के सामने की वजह ये है ए सी, तो ये हमारी साइन थीटा वन डिवाइड ए सी होगी। फिर पाई माइनस आई के सामने की भुजा कौन सी है, ये एन सी होगी। ठीक है, इस त्रिभुज में एन ए सी में, तो हम लोग साइन पाई माइनस आई डिवाइड बाई एन सी हो जाएगा। ठीक है, एन सी आ गया। हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला है ये जो हमने अलग से भी बना रखा था, सेम है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे ध्यान रखते हुए। तो देखो यहाँ पे हमारी जो ए सी है वो कितनी है, ए सी वक्रता त्रिज्या है, तो हम लोग साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई ए सी हमारी वक्रता त्रिज्या आर है इक्वल टू साइन पाई माइनस आई, कितना होगा साइन पाई माइनस आई इक्वल टू साइन आई होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई के जिस इसके सामने की भुजा है एन सी, जो एन सी हमने यहाँ पे लिखी, देखो ये एन सी कितनी है, आर माइनस यू है, ये हमारी आर माइनस यू होगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन आ गया। उसके बाद में हम लोग त्रिभुज इस त्रिभुज से लेते हैं हम लोग एन प्राइम ए सी सी। ठीक है, त्रिभुज एन प्राइम ए सी से ज्या नियम लगाने पर इसके अंदर भी हम लोग ज्या नियम लगा देते हैं, तो जो देखो ये हमारा एन ए सी है, इसमें आर के सामने की वजह कौन सी है, एन सी है, और थीटा टू के सामने की वजह कौन सी है, हमारी ए सी है। ठीक है, लेकिन हमको एक ध्यान रखना है कि जो थीटा वन तो हमारा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया साइन थीटा वन, लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा टू क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो हम लोग साइन कन्वेंशन है उससे, तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा टू। ठीक है, साइन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई थीटा टू के सामने मुझे कौन सी है, आर है हमारी। ठीक है, ए सी है जो कि आर है, ए सी इज इक्वल टू साइन आर डी भाई, और आर के सामने मुझे कौन सी है, सी एन प्राइम। ठीक है, तो सी एन ए सी तो हमारी आर है, और इस सी एन प्राइम कितनी है, सी एन प्राइम ये वी माइनस आर है। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस साइन थीटा टू डी बाई आर इक्वल टू साइन आर डी बाई सी एन प्राइम कितनी हमारी वी माइनस आर है। ओके, तो ये हमारा एक अन्य रिलेशन आ गया, थर्ड नंबर का रिलेशन आ गया। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इस थर्ड नंबर के रिलेशन में हम लोग जो नेगेटिव साइन है इसको दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर आर माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा टू डी आई बाई आर इक्वल टू साइन आर डी आई बाई आर माइनस वी, इसका हम लोग तीसरे नंबर का इक्वेशन मानेंगे। ओके, अब हम लोग कहाँ पे आके पहुँच गए, हम लोग एबे के नियम के नज़दीक आके पहुँच गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग समीकरण दो और में समीकरण दो में हम समीकरण तीन का भाग दे देते हैं दोनों तरफ से ऐसे कैसे करके। तो देखो साइन थीटा वन डिवाइड बाई आर है यहाँ पे साइन थीटा टू डिवाइड बाई आर है, इसमें भाग देंगे तो आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा वन डिवाइड बाई साइन थीटा टू आएगा। ठीक है, इसके अंदर इस समीकरण में हम लोग इसका भाग देंगे,
तो साइन थीटा वन डिवाई आर है, यहाँ साइन थीटा टू डिवाई आर है, तो आर से आर कैंसिल होने के बाद में साइन थीटा वन डिवाई साइन थीटा टू बचेगा, या आर साइन आई डिवाई आर माइनस वी है, या साइन आर डिवाई आर माइनस वी है, तो यहाँ भी भाग देने पर साइन आई डिवाई साइन आर और आर माइनस वी डिवाई आर माइनस यू आएगा। ठीक है, तो समीकरण क्या करते हैं हम लोग, समीकरण समीकरण दो में तीन का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण दो में समीकरण तीन का भाग दे दिया तो क्या आएगा, देखो ये हमारा समीकरण दो है, ये हमारा समीकरण तीन है, इसमें भाग दिया तो हमारा आएगा साइन थीटा वन डी बाई आर डॉट आर डी बाई साइन थीटा टू। ओके, फिर आएगा हमारा इज इक्वल टू साइन आई डी बाई आर माइनस यू डॉट आर माइनस वी अपॉन साइन आर। ठीक है, यही आएगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा वन डी बाई आर में हमने इसका भाग दिया साइन थीटा टू बाई आर का, तो ये हमारा साइन थीटा वन डी बाई आर डी बाई आर डी बाई साइन थीटा टू। उसी प्रकार साइन आई डी बाई आर माइनस यू साइन आई डी बाई आर माइनस यू, इसमें भाग दिया तो हमारा आर माइनस पी डी बाई साइन आर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे हल करते हैं, क्या आता है हमारा इसको हल करने पे क्या आएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा साइन थीटा वन साइन थीटा टू आ रहा है। दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर डॉट आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू की आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको एक यहाँ पे लिख के एक समीकरण नंबर देते हैं, समीकरण ये समीकरण नंबर चार नंबर, हाँ तीन नंबर ही है, सही है, इसको समीकरण नंबर चार देते हैं साइन थीटा वन डी बाई साइन थीटा टू इक्वल टू साइन आई डी बाई साइन आर डॉट आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू, इसको चार नंबर दिया हमने। ठीक है, अब समीकरण समीकरण चार में, समीकरण चार में समीकरण एक से आर माइनस वी डिवाइड बाई आर माइनस यू का मान रखने पर, ठीक है, देखो यहाँ पे आर माइनस वी डिवाई आर माइनस यू है, यहाँ पे यू माइनस आर डिवाई वी माइनस आर है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी वाई वन डिवाई वाई टू, तो आर माइनस वी डिवाई आर माइनस यू की वैल्यू क्या होगी वाई टू डिवाई वाई वन। ठीक है, तो यहाँ वाई टू डिवाई वाई वन लिख देते हैं हम लोग, तो समीकरण एक है उससे वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो क्या वैल्यू आएगी, अतः साइन थीटा वन डिवाई बाई साइन थीटा टू इज इक्वल टू साइन आई डिवाई बाई साइन आर डॉट आर माइनस वी यू माइनस आर, तो इसका उल्टा आ जाएगा जस्ट। ठीक है, इसका उल्टा आ जाएगा, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी तो हमारे पास आएगा ये इसका उल्टा हो गया वाई टू डी बाई वाई वन। ओके, ये वैल्यू है नहीं यहाँ से रखे समीकरण एक से, तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, अब हम क्या करते हैं स्नेल लॉ से, स्नेल नियम से, स्नेल का नियम से क्या होता है साइन आई डी बाई साइन आर इज इक्वल टू
म्यू 2 डी एवं म्यू 1, ठीक है, के संबंध हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा 5वां नंबर है और ये हमारा स्नेल नियम 6ठा नंबर का है, ठीक है। तो स्नेल नियम से ये हमारा आएगा समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है। ये साइन आई डी बाई साइन आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग कि, तो रख दो वहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा sin θ1 डी बाई sin θ2 इज इक्वल टू μ2 डी बाई μ1 डॉट y2 डी बाई y1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो y1 μ1 है इसको यहाँ आप इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे और इसको इधर साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा μ1 y1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 y2 sin θ2। ये जो नियम आता है ये हमारे आवेश साइन कंडीशन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, एब का ज्या प्रतिबंध, ठीक है, इस कहलाता है। ये जो हमारा समीकरण आया ये एब आवेश साइन कंडीशन कहलाता है, ठीक है, एब का ज्या प्रतिबंध कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग जो आबे का जो साइन कंडीशन है, एब का जो साइन कंडीशन है, उसको हम लोग इस तरह से हम लोग व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है। थैंक यू।